अगर आज तुमने मुझे बचाना सीख लिया तो कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं पैसा हूं। हे हेलो दोस्तों, पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। पैसा आपके कल को आपके आज के साथ मिलाता है। पैसा है तभी आपके पास फोन है और आप फोन में वीडियो देख पा रहे हो और तभी फोन में डेटा है। पैसा ही आपके अपने सपने और आपके अपनों के सपने पूरे करता है। पैसा एक ऐसा टूल है, अगर आज आपने उसको इन्वेस्ट करना सीख लिया तो आपका कल खूबसूरत हो जाएगा। और अगर आप इसको इन्वेस्ट करना नहीं जानते तो आपके पास अफसोस रह जाएगा। और यही मेरी वीडियो का मकसद है, ऑब्जेक्टिव है कि आपका कल खूबसूरत हो, ना कि आपके पास अफसोस हो। इसलिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट किया जाए सो दैट वो कई गुना मल्टीप्लाई करे और आपके कल को खूबसूरत बना दे। लेकिन पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक आदमी था जो अपनी चलाकी के लिए बहुत मशहूर था। उसकी चलाकी की वजह से कई बार राजे ने भी उसकी बहुत तारीफ करी थी और इसी बात की वजह से बहुत लोग उससे जलते थे, उससे नफरत करते थे। अब एक बार लोगों ने उसको एक ऐसे गुनाह में फंसा दिया जो उसने कभी किया नहीं था। राजे को भी बता दिया कि उसने ये गुनाह किया। राजे को बहुत गुस्सा आया कि मेरा फेवरेट आदमी और उसने इतना बड़ा गुनाह किया। उसने गुस्से में उसको मौत की सजा सुना दी। पर क्योंकि वो आदमी कभी उसका बहुत खास था, इसलिए उसकी आखिरी इच्छा पूछी। अब अपनी आखिरी इच्छा सुनाते हुए वो आदमी कहता है कि मैं बस इतना ध्यान रखना चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार के ऊपर कोई मुसीबत ना आए, उनका ख्याल रखा जाए। तो एक छोटी सी जो मेरी इच्छा है कि चेस के बोर्ड पे पहले ब्लॉक पे चावल का दाना रखो और उसके अगले ब्लॉक पे जो भी पिछले ब्लॉक पे उसका डबल कर दो, और ऐसे करते करते जितने दाने 64वें ब्लॉक पे होंगे मेरे मरने से पहले वो मेरे परिवार को दे दिए जाए। राजा ने सुना और कहा मंजूर है। चेस के बोर्ड पे पहले ब्लॉक पे एक दाना रखा गया तो दूसरे ब्लॉक पे उसका डबल यानी कि दो दाने, तीसरे पे चार दाने, चौथे पे आठ दाने और करते करते 12वें ब्लॉक पे 2048 दाने। अब राजे को थोड़ी घबराहट होनी शुरू हो गई क्योंकि जब 32वें ब्लॉक तक पहुंचे तो 214,74,83,647 दाने हो चुके थे और 64वें ब्लॉक तक पहुंचते हुए ये कितना हो चुका था पता है? 9.2 क्विंटिलियन। ये इतना ज्यादा था कि वो राजा अगर अपना पूरा राज्य भी बेच दे तो उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता था, अपनी जुबान पे नहीं रह सकता था। इसलिए वो पूरा राज्य उसको दे देता है, उसको जिंदगी मिल जाती है और वो राजा उसका गुलाम हो जाता है। आप ये देखो कैसे एक दाने से शुरू किया और नंबर कितना बड़ा हो गया। इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये है दुनिया का 8वां अजूबा, कंपाउंडिंग। हर बड़े से बड़ा आदमी, हर सफल आदमी, चाहे बिल गेट्स हो चाहे वॉरेन बुफे हो, इसकी पावर को समझते हैं। वो कहते हैं ना, पैसे के लिए काम मत करो पर पैसे को काम पे लगाओ। ये लोग यही चीज करते हैं। अब जब भी हम इन्वेस्टमेंट सोचते हैं तो कई ऑप्शंस हमारे माइंड में आती हैं, जैसे कि एफडी, आरडी, गोल्ड, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक। अगर तो हमें बैलेंस्ड और मॉडरेट ग्रोथ चाहिए, बैलेंस्ड और मॉडरेट रिटर्न चाहिए, तो कई ऑप्शंस इनमें से अच्छी। लेकिन अगर हमने अपने पैसे को कई गुना बढ़ाना है, मल्टीप्लिकेशन में लाना है, तो जो ऑप्शंस बचती हैं, जो मेन ऑप्शंस बचती हैं, वो है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। देखिए, अगर तो आप फुल टाइम इसी काम में होते, फाइनेंशियल प्लानर होते, फाइनेंशियल एनालिस्ट होते, तो मैं आपको कहता शायद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। पर हम में से ज्यादातर लोगों के पास टाइम, रिस्क, एक्सपर्टीज एंड एफर्ट्स नहीं है। हम अपने काम में बिजी हैं, हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग का फायदा लेते हुए कई गुना मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। इस ट्री वाली जो चीज है इसको सॉल्व करने के लिए आते हैं म्यूचुअल फंड्स। अब मान लो आपको अभी 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने और आप स्टॉक मार्केट में लगाने की सोचते हो, आप किसी शेयर पे 1,000 रुपए लगा देते हो। अब स्टॉक मार्केट इतनी वॉलेटाइल है, आपको पता नहीं है कौन सा शेयर कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, कब ये क्रैश कर सकता है और नुकसान के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यहां पे जो चीज आपके काम आएगी वो है म्यूचुअल फंड्स। इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने वाला हूं, बहुत सिंपल तरीके से, इजी तरीके से, हमेशा के लिए म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ टिप्स भी मिलेंगी और ये भी पता लगेगा कैसे उसमें इन्वेस्ट करना है और कंपाउंडिंग के जादू का फायदा लेना है। अब आइए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं। जैसे आपने 1,000 रुपए का निवेश करना था, 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने थे, वैसे कई और लोगों ने भी 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं।
इन 10 लोगों ने एक कंपनी को पैसे दिए जिसको कहते हैं एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अभी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास फंड मैनेजर होता है जो आपके 10,000 रुपए को इन्वेस्ट करेगा। अब ये जो फंड मैनेजर है ये क्वालिफाइड है, अकाउंटिंग बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमिक्स को समझते हैं। इनके पास रिसर्चर्स की एनालिस्ट की टीम होती है जो मार्केट पे पूरी नजर रखती है, मार्केट को समझती है। अब ये फंड मैनेजर इस 10,000 रुपए को एक जगह लगाने की जगह अलग अलग जगह पे प्लान तरीके से इन्वेस्ट कर देता है। अभी उनकी रिसर्च है, उनको लगता है कि ऑटोमोबाइल ग्रो करेगा तो कुछ पैसा ऑटोमोबाइल में लगा दिया, महिंद्रा में लगा दिया। उनको लगता है फार्मा ग्रो करेगा, कुछ पैसा सिप्ला में लगा दिया। उनको लग रहा है कि आईटी के भी ग्रो करने के चांस है तो थोड़ा पैसा इंफोसिस में लगा दिया। अब आप देखो, जो ट्री आपके पास नहीं है वो इनके पास है, इनके पास टाइम है, इनकी पूरी टीम इसी काम के लिए डेडिकेटेड है। आर रिस्क, ये रिस्क ले सकते हैं क्योंकि फंड का साइज बहुत बड़ा है। अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाइड तरीके से अलग अलग जगह लगाते हैं, कुछ जगह अगर लॉस हो भी जाता है तो कुछ जगह गेन हो जाता है, तो एवरेज आउट अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं क्योंकि एक्सपर्टीज भी है, एक्सपीरियंस है, पूरी नजर है, इस चीज में एक्सपर्ट है, इस चीज में क्वालिफाइड है, इसी चीज को दिन रात कर रहे हैं। और एफर्ट्स, इनकी एफर्ट्स इसी तरफ जाती है कि कैसे इसको मल्टीपल जगह लगाना है, कैसे डाइवर्सिफाई करना है। तो ये ट्री इनके पास है, ये आपको फायदा देते हैं और उस फायदे में से कुछ परसेंट, 1% के आसपास का ये अपनी कमीशन रखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके सामने मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड है। अब देखो 16.4% की ग्रोथ इसने 3 साल में दी है। इस फंड में जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो 7,000 करोड़ लगा हुआ है और ये पैसा कैसे एलोकेट हुआ है, कैसे लगा है, वो भी आपको नजर आएगा। यहाँ पे तकरीबन 9% पैसा HDFC बैंक में लगा है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर है। टेक्नोलॉजी में भी 6.8% लगा है, इंफोसिस में। ऐसे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। अब आपने देखा होगा कि फंड के साथ एक परसेंटेज लिखी होती है, ये है रिटर्न की परसेंटेज जो आपको मिलती है। हर फंड की अलग अलग परसेंटेज है, जैसे कुछ फंड यहाँ पे 20, कोई 19, कोई 18, कोई 16%, तो अलग अलग परसेंटेज। अब हम समझते हैं कैसे ये रिटर्न काम करती है। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने सोचा 1,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना है। अभी सिर्फ 1,000 की बात है, पर मंथ 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। इसको SIP कहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इस 1,000 जब आप हर महीने लगाते हो तो कैसे वो कंपाउंडिंग काम करता है, वो चेस वाली स्टोरी याद है ना। आइए देखते हैं कैसे म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं। तो ये एक टूल यूज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। आपने मंथली इन्वेस्टमेंट डाली 1,000 रुपए, 10 साल का भी मैं टाइम पीरियड डाल देता हूं और एक एवरेज ले लेते हैं 15%। ज्यादातर म्यूचुअल फंड 10-20% की रिटर्न देते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी जा सकते हैं, लेकिन बैंक्स और बाकी फॉर्म ऑफ डिपॉजिट से ये काफी ज्यादा है। अब अगर आप 1,000 रुपए हर महीने लगाते हो 10 साल तक, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है वो है 1,20,000, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू बन चुकी है वो है 2,78,000। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हर महीने 1,000 लगाते जाओगे, ग्रो नहीं करो, सैलरी नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी, हर साल कुछ तो इंक्रीज होगा। तो मान लो आप हर साल सिर्फ 500 रुपए और बढ़ा देते हो इस SIP में, कि एवरी ईयर पहले साल 1,000 रुपए, अगले साल 1,500, उसके अगले साल 2,000 पर मंथ। 500 रुपए अगर आप हर साल बढ़ा देते हो तो 10 साल में जो आपने इन्वेस्ट किया वो है 3,90,000, लेकिन जो आपके फंड की वैल्यू बन चुकी है वो है 7,40,000। ये तो मैंने एग्जांपल ली 1,000 रुपए पर मंथ। अगर आप और ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो कंपाउंडिंग और ज्यादा काम करती है। मैंने 10 साल लिया, आप और ज्यादा टाइम लेते हो, कंपाउंडिंग और ज्यादा काम करती है। मान लो आप 10,000 रुपए पर मंथ लगाते हो और हर साल 5,000 बढ़ा देते हो, पहला साल 10,000 पर मंथ, दूसरे साल 15,000 पर मंथ, तो दोस्तों जो आपने इन्वेस्ट किया वो तो है 40 लाख, लेकिन 10 साल बाद जो आपके फंड की वैल्यू बन चुकी है वो है 74 लाख। आप देख रहे हो कैसे कंपाउंडिंग काम करती है, कैसे आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। और इसी कैलकुलेशन में अगर मैं 10 साल का 15 साल कर दूं, मतलब आपने 25 साल की उम्र में 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने शुरू करे, 15 साल बाद जब आप 40 के हो जाओगे, उस टाइम तक आपने जो इन्वेस्ट किया होगा वो होगा 81 लाख, लेकिन आपके फंड की जो वैल्यू बन चुकी होगी वो होगी 2,17,00,000 रुपए। 40 साल की उम्र में आप करोड़पति बन चुके होंगे। सो म्यूचुअल फंड्स में आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर दो उतना ज्यादा फायदा, जितना ज्यादा टाइम आपके फंड को मिलता जाएगा उतना कंपाउंडिंग काम करता जाएगी। जितना इन्वेस्ट कर सको, जितनी आदत डालो इन्वेस्टमेंट की, खर्चा करने की जगह इन्वेस्ट करने की, ये बहुत ही अच्छी आदत है। खर्चे से कोई फायदा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लीकेशन होती है दोस्तों। या तो जिंदगी में फायदा मिलता है या अफसोस मिलता है, अब आपको फायदा लेना है या अफसोस लेना। म्यूचुअल फंड के कई फायदे आपको मिलते हैं, जैसे कि आप किसी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हो। मिनिमम 500 रुपए है SIP के लिए, 500 रुपए से ऊपर आप कोई भी अमाउंट लगा सकते हो।
एक फायदा लिक्विडिटी, आप बंधे नहीं हुए, आप कभी भी चाहो निवेश कर सकते हो, कभी भी चाहे निकाल सकते हो। हालांकि प्रेफर्ड ये है, रिकमेंडेड ये है कि लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड्स में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी, आप चाहे तो SIP ले सकते हो, यानी कि हर महीने इन्वेस्ट करते जाओ, चाहे एक साथ लमसम एक साथ आप इन्वेस्ट कर दो। एक और फायदा जिसका मैं बहुत फायदा लेता हूं वो है बेटर प्लानिंग। आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट अलग अलग गोल्स के लिए प्लान कर सकते हो। ये गाड़ी के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये घर के लिए कर रहा हूं, ये अपनी एजुकेशन के लिए या बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। कोई हाई रिस्क म्यूचुअल फंड होगा, कोई लो रिस्क म्यूचुअल फंड होगा, अपने गोल के हिसाब से आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये प्लानिंग में हेल्प करता है। आप इसमें टैक्स सेविंग का भी बेनिफिट ले सकते हो। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो टैक्स सेव करने के लिए। हाँ, उन म्यूचुअल फंड्स पे एक लॉक इन पीरियड होता है कि मिनिमम इतने साल तक आप उसमें से पैसे नहीं निकलवा सकते। जैसे बैंक्स को RBI गवर्न करता है, इंश्योरेंस को IRDAI गवर्न करता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स भी सेफ है। इसको SEBI यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो गवर्न करता है। इसमें लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में कभी लॉस नहीं हो सकता। अगर मार्केट बहुत बुरी तरह गिरती है इसकी रिटर्न परसेंटेज नीचे भी जाती है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हो तो आपको फायदा रहता है। रीजन, क्योंकि वहां एक्सपर्ट्स बैठे हैं मैनेज करने के लिए, आप खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहे मार्केट। और वो फायदा जो हमेशा रहेगा, ट्री टाइम रिस्क एक्सपर्टीज एंड एफर्ट्स जो फंड मैनेजर के पास है आपके पास नहीं। दोस्तों 31 जनवरी 2009 में जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड थी म्यूचुअल फंड्स में वो थी 4 लाख करोड़, लेकिन अब 31 जनवरी 2019 में जो म्यूचुअल फंड्स में टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है वो है 23 लाख करोड़। आप देख सकते हो किस लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रही हैं, किस लेवल पे ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स में आसानी से सिंपल तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों कई एप्स की रिकमेंडेशन हमारे पास आती हैं, रोज कई ईमेल्स आती हैं, लेकिन मैं आपको वही ऐप सजेस्ट करता हूं जो आपके फायदे की हो, जो फ्री हो, जो मैंने या मेरी टीम ने टेस्ट करी हो, यूज करी हो। दोस्तों मैं आपसे कभी भी कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं कहना चाहता, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, लेकिन मेरी इस वीडियो की और हर वीडियो की पहली इंटेंशन आपका फायदा है, आपका बेनिफिट है, आपकी वैल्यू एडिशन है। सो दोस्तों जो ऐप मैं खुद भी यूज करता हूं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए वो है ग्रो ऐप। ये एक सिंपल, फ्री और इजी टू यूज ऐप है। ये जीरो कमीशन ऐप है, इसमें आपसे कोई भी कमीशन नहीं ली जाती आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आप अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को इसमें चेक कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। इसमें आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स देख सकते हो, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी आपको इसमें नजर आती है। 5000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में से आप चूज कर सकते हो, 35 ज्यादा AMCs के म्यूचुअल फंड्स इसमें हैं। आप चाहो तो अभी के अभी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आप देख सकते हो इंडिया की ये म्यूचुअल फंड्स में हाईएस्ट रेटेड ऐप है। आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों जितनी जल्दी हो सके दुनिया के इस 8th वंडर 8वें अजूबे कंपाउंडिंग का फायदा लेना शुरू कर दो। जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट की आदत डालो, इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि याद है ना, अगर आप पैसे को बचाओगे तो वही पैसा आपको बचाता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को लेके, फाइनेंस को लेके कोई भी चीज अभी अगर आपके मन में चल रही है नीचे कमेंट्स में हमें बता देना, मेरी पूरी कोशिश रहेगी उनको एड्रेस करने की, उनको आंसर करने की। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।